हेलो फ्रेंड्स, समय और समझ किस्मत वालों को ही एक साथ मिलती है, क्योंकि समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। जी हाँ, मैं आदित्य जैन और मैं आप लोगों को CA, CS, CMA, CFA की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। आज का हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज यह है कि एक ऐसी कंपनी के नाम बताइए जो इंडिया की लार्जेस्ट कॉमोडिटी एक्सचेंज है और जिसकी प्राइस अभी कल ही 10% से ज़्यादा गिर गई। तो आंसर आपके सामने होगा, जी हाँ, उस कंपनी का नाम है MCX, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज। क्या हुआ जो इस कंपनी की शेयर प्राइस 10% से ज़्यादा गिर गई? जिस कंपनी की मार्केट शेयर है 96%, आप समझ सकते हैं, कमोडिटी मार्केट शेयर 96% है, मतलब एक तरह का मोनोपोली है। उस कंपनी की शेयर प्राइस 10% से ज्यादा क्यों गिरी? क्योंकि उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना पड़ा। जी हाँ, आपको जैसा पता है कि जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होती है वो सब सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, तो इनको सॉफ्टवेयर मैनेज करने के लिए कोई कंपनी होती है, तो सॉफ्टवेयर मैनेज करने के लिए जो कंपनी है, इनकी जो कंपनी MCX की, वह 63 Moons नाम की एक कंपनी है जो इनके सॉफ्टवेयर को मैनेज करती है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था, काफ़ी महीने पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था और MCX चाहती थी अपने नए प्लेटफॉर्म में शिफ्ट करना चाहती थी। उन्होंने TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से करार कर लिया था अपने पूरे सॉफ्टवेयर को उनमें शिफ्ट करने का, और ये करार 63 मून से ख़त्म हो रहा था, लेकिन वो एक्सटेंड पे एक्सटेंड करती चली जा रही है MCX, क्योंकि अभी तक उनका जो सॉफ्टवेयर बनना था वो अभी तक फुल प्रूफ नहीं बन पाया है, अभी भी कुछ कमी रह गई है। इसके कारण उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना पड़ रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट उनको एक्सटेंड करना पड़ रहा है वो बहुत बड़ी कीमत में करना पड़ रहा है। उसके कारण इनकी शेयर प्राइस गिर गई है, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट आएगा, कहीं ना कहीं इनको काफ़ी आउटफ्लो करना पड़ेगा, इसलिए इनकी शेयर प्राइस 10% से ज़्यादा गिरी है। MCX falls 10% after extending IT contracts at higher cost। तो उसका यह मतलब होगा कि जो 63 moons करके कंपनी है उनकी शेयर प्राइस काफ़ी अच्छी बढ़ी होगी। आप देख सकते हैं 63 Moons Technology Limited की शेयर प्राइस 12% बढ़ गई, कि उनको तो फायदा हो गया, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया, वो भी हायर कॉस्ट में एक्सटेंड हो रहा है। इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग MCX informed दैट द कंसिडरेशन फॉर द सेम वुड बी 125 crore पर क्वार्टर, दिस वॉज हायर देन द कंसिडरेशन जो उन्होंने TCS के साथ करार किया है, वह 6 साल के लिए करार किया और मात्र 8 से 10 लाख जो उन्होंने TCS के साथ करार किया है वो मात्र 10 करोड़ रुपए के आसपास किया है 6 साल के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस वजह से इनका शेयर प्राइस 10% से ज्यादा गिर गया। MCX has said that they are extending the services of existing software vendor 63 Moons Technologies for 6 more months, 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। द कंपनी हैज वंस अगेन डिलेड द माइग्रेशन टू द न्यू कॉमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म डेवलप बाई TCS। TCS ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, अभी भी माइग्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, और आप शेयर प्राइस देख सकते हैं, इस न्यूज के कारण शेयर प्राइस काफी गिरा है, और आप इनकी प्राइस चार्ट से भी इस चीज को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। फाइन सर, तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, उनके भी पैसे MCX में लगे होंगे, तो म्यूचुअल फंड कंपनीज भी काफी लॉस में रही, 275 करोड़ का लॉस हो गया इन वैल्यू, क्योंकि MCX 10% गिर गई। तो क्या हुआ, म्यूचुअल फंड पैसा MCX में लगाया है, म्यूचुअल फंड भी एक तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, उन वो भी शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड ने क्योंकि MCX के शेयर खरीदे हुए थे, क्योंकि MCX का शेयर प्राइस गिरा तो उनको भी नुकसान हुआ, म्यूचुअल फंड को भी 275 करोड़ के आसपास का नुकसान हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी, क्योंकि उनका जो पैसा है वो MCX के शेयर में लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कितना ये सब चीज़ें, एक लॉस कितना ज़्यादा अदर चीज़ों में लॉसेस हो जाती है, एक गलती सबको नुकसान भुगतनी पड़ती है।
और कल का न्यूज था कि 9.9 लाख आउटस्टैंडिंग सेल ऑर्डर्स आर पेंडिंग, मतलब लोग बेचना चाह रहे हैं इस कंपनी के शेयर्स को, लोग बेचना चाह रहे हैं और वो सेल ऑर्डर पेंडिंग था, ये एज पर न्यूज मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, तो ये छोटा सा आपको मैंने जनरल नॉलेज बताया कि इंडिया की नंबर वन कंपनी कॉमोडिटी एक्सचेंज की MCX है और क्यों इसकी शेयर प्राइस 10% के आसपास गिरी, उससे फायदा किसको हुआ, 63 मून्स का शेयर प्राइस 12% बढ़ गया। ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। लर्निंग में ही अर्निंग मिली हुई है, लर्न को अगर आप एल हटा देंगे तो अर्न आ जाएगा, द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। फाइन सर, जाते जाते इतना ही कहूंगा कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं इस तरह के वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।